के दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में आर्मी में मेजर गौरव के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के ही दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में आर्मी में बतौर मेजर गौरव के खिलाफ उन्हीं के घर में काम करने वाली एक डोमेस्टिक मेड ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि पीड़ित महिला और उसके पति आर्मी में बतौर मेजर गौरव के घर पर डोमेस्टिक हेल्प का काम करते थे। 12 जुलाई के दिन आर्मी में मेजर गौरव ने पीड़ित महिला के पति को किसी काम से घर से बाहर भेज दिया और उसी का फायदा उठाकर मेजर गौरव ने पीड़ित महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि जिस समय मेजर गौरव पीड़ित महिला के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, रेप की वारदात को अंजाम दे रहे थे, उस दौरान पीड़ित महिला के पति ने ये पूरी घटना देख ली थी, जिसके बाद पीड़ित महिला और पीड़ित महिला के पति को मेजर गौरव ने कई बार धमकाया भी, लेकिन जो पीड़ित महिला के पति थे उन्होंने अपनी पत्नी यानी कि पीड़ित महिला को वापस अपने गांव भेज दिया था। लेकिन पीड़ित महिला का पति लगातार मेजर गौरव के घर पर ही काम कर रहे थे, लेकिन 12 जुलाई की दिन जब पीड़ित महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके कुछ दिन बाद ही पीड़ित महिला के पति ने मेजर गौरव के घर के अंदर ही बने जो सर्वेंट क्वार्टर थे वहां पर आत्महत्या कर ली थी। पीड़ित महिला लगातार पुलिस को अपनी आपबीती बताती रही, लेकिन पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की। तब जाकर पीड़ित महिला ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली के दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में ही जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के अंदर 376 जो रेप की धारा है वो लगाई गई है, साथ ही 506 धमकाना और तमाम ऐसी धाराएं जिनका जिक्र अब FIR में किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब वो इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि दोनों ही पक्षों के जो बयान है वो सामने आ सके। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।